नमस्कार दोस्तों, अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म के 17वें दिन की कथा। अध्याय 17 में शिवजी के द्वारा जलंधर का वध करना और देवों का वृंदा की रज में बीज बोना। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर ने महादेव जी को अपने से अधिक पराक्रमी जानकर उनको मोहित करने के लिए माया में पार्वती बनाई और रथ में बांध दी। शिवजी ने पार्वती को रथ के ऊपर बंधी हुई एवं शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा उन्हें मारे जाने से रोती हुई देखा। इस प्रकार पार्वती को देखकर शिवजी हृदय में बहुत व्याकुल हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर सिर नीचा करके चित्र की भांति चुपचाप खड़े रह गए। और जैसे ही शिवजी को यह समझ आया कि यह तो एक माया मात्र है, तब तो शिवजी ने ज्वालामय होकर बड़ा भयंकर रूप धारण कर लिया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने ठहर न सका और दसों दिशाओं में वे भाग गए। उनके साथ शुंभ निशुंभ भी भाग गए। तदंतर महादेव जी ने शुंभ निशुंभ दोनों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। उधर यह देखकर जलंधर ने बड़े वेग से पैने बाणों की वर्षा की, जिससे पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक शिवजी ने उनके बाणों को काटा, तब तक उस जलंधर ने महावली नंदी को ऐसा कठोर परिघ मारा कि उसके लगने से बैल युद्ध भूमि में से भाग गया और महादेव जी के रोकने पर भी न रुका। तब शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को संभाला और उस पर चला दिया। वह पृथ्वी और आकाश को अपने प्रकाश से चकाचौंध करता हुआ भूमि पर आ गिरा और विशाल नेत्र वाले महाबली जलंधर का सिर काट दिया। जलंधर का सिर पृथ्वी को घोर शब्दायमान करता हुआ गिरा और उसका तेज शिवजी में विलीन हो गया तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी में लीन हो गया। यह देखकर ब्रह्मा जी आदि देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और शिव जी को प्रणाम कर भगवान विष्णु का हाल कहने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव महादेव, आपने हम देवताओं के शत्रु को मारकर उसके भय से हमारी रक्षा की है, परंतु एक भय और पैदा हो गया है कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु मोहित होकर उसकी चिंता की रज में लौट रहे हैं। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण्य मोहिनी नाम की माया की शरण जाओ, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब भूत गणों समेत शिव अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात सब देवता भक्तों की रक्षा करने वाली मूल प्रकृति योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे सत रज तम ये तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति तथा नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। जो प्रकृति अपने 23 गुणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है और जिसके रूप कर्म आदि का गुणगान तीनों लोकों के देवता भी नहीं कर सकते, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिसे अपने भक्त अति प्रिय हैं, जिसके भक्तों को दुख दारिद्र्य भय मोह तिरस्कार आदि नहीं सताते हैं, उस भक्त वत्सल मूल प्रकृति को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में से एक ज्वाला जो दिशाओं में फैल रही थी ऐसे महान तेज को देखा। उसके बीच में से आकाशवाणी हुई जो देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मैं ही तीन प्रकार से व्यक्ति के तीनों गुणों में रहती हूँ, गौरी लक्ष्मी और सरस्वती। गौरी लक्ष्मी और सरस्वती ये तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। इनमें रज तम और सत्व ये तीनों मेरे ही गुण हैं। अतः हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय युक्त देवताओं ने यह वाणी सुनी
और उनके देखते ही देखते वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। फिर सब देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। तदंतर भक्त बत्सल देवियों ने देवताओं को शरण में आए हुए देखकर उनको कुछ बीज देकर बोली कि तुम इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले, उसके पश्चात देवता और सिद्धों के समूह ने उन बीजों को लेकर वहां पर बो दिया, जहां वृंदा की चिता भूमि में भगवान विष्णु दुखी होकर विराज रहे थे। यह सत्य वचन का महात्म्य हमने तुमसे कहा, इसको एकाग्र मन करके पढ़ने व सुनने वालों को कभी विघ्न नहीं होगा और उसे स्वर्ग लोक मिलेगा और पुत्रहीन स्त्री पुरुष को पुत्र की प्राप्ति होगी। इति श्री कार्तिक मास महात्म सप्तदश अध्याय संपूर्ण।